तो मैं फाइंड आउट कर लिया रूट ऑफ 10x प्लस कोटेक्स का इंटीग्रेशन, तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन दिखता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कोटेक्स को 1 बाय 10x लिख देंगे, तो यहाँ 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10x आएगा। फिर 10x को टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी आएगा, और एक्स इज इक्वल, तो 10x को टी स्क्वायर पुट किया तो 10x का डिफरेंशिएशन sec x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2t dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू 2t dt डिवाइडेड बाय sec x होल स्क्वायर आएगा, जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और टेन थीटा को टी स्क्वायर पुट किया था तो ये आ जाएगा। टी से टी कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। इसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर आएगा। इसको टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर इसको जेड मानेंगे तो ये डी जेड हो जाएगा, और ये जेड स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स वाई होता है, और जेड की जगह टी माइनस 1 बाय टी पुट करके इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।